बिग बॉस 14 के प्रसारण में अभी एक महीने से ज्यादा का वक्त है, लेकिन बिग बॉस के 14 सीजन से जुड़े अपडेट्स लगातार सोशल मीडिया पर रिवील हो रहे हैं। दरअसल बिग बॉस 14 की शुरुआत पहले सितंबर महीने से होने वाली थी, लेकिन मुंबई में हो रही लगातार बारिश के कारण बिग बॉस 14 के सेट को नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए शो के टेलीकास्ट डेट को अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। वहीं इस बार भी सलमान खान ने बिग बॉस को होस्ट करने की जिम्मेदारी दी है। अब तक सलमान खान ने बिग बॉस के 10 सीजन को होस्ट कर लिया है और हर साल सलमान खान की फीस मेकर्स की तरफ से कई गुना बढ़ा दी जाती है और इस बार भी सलमान को मोटी रकम अदा की जाएगी। और खबरों की माने तो बिग बॉस 14 के लिए भाईजान को 250 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सूत्रों की माने तो 20.5 करोड़ सलमान को बिग बॉस 14 में हर हफ्ते पे किए जाएंगे। बिग बॉस 13 में सलमान को 12 से 14 करोड़ हर हफ्ता पे किया जाता था और अब बिग बॉस के 14वें सीजन में ये रकम बढ़ाकर 20 करोड़ से ज्यादा हो गई है। इसके अलावा बिग बॉस 14 में शामिल होने वाले प्रतिभागियों को पहले 14 दिनों तक क्वारंटीन किया जाएगा और बिग बॉस 14 में शामिल होने वाले प्रतिभागियों में से अब तक जैस्मिन भसीन, निया शर्मा, पवित्रा पुनिया, निशांत मलकनी, नैना सिंह, जान कुमार सानू, सुगंधा मिश्रा, साक्षी चोपड़ा और सारा गुरपाल के नाम सुनने में आ चुके हैं। बिग बॉस 14 में शामिल होने वाले प्रतिभागियों की लिस्ट में एक्ट्रेस कविता राधेश्याम का भी नाम जुड़ गया है। सूत्रों के अनुसार कविता राधेश्याम से बात की जा रही है, जिनकी लोकप्रियता वेब सीरीज कविता भाभी से बहुत बढ़ गई है। शो के मेकर्स ग्लैमर का तड़का शो में लगाना चाहते हैं, इसके लिए उन्हें कविता सही उम्मीदवार लग रही है। इसके पहले सनी लियोनी, राखी सावंत, शर्लिन चोपड़ा और कश्मीरा शाह जैसी हॉट अदाकाराएं भी इस शो में ग्लैमर बढ़ाने के लिए नजर आ चुकी हैं। वैसे कविता को बिग बॉस सीजन 6 में बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री देने की पेशकश हुई थी, जिसे कविता ने ठुकरा दिया था, लेकिन शायद इस बार कविता भाभी बिग बॉस 14 में हिस्सा लेने के लिए मान जाए। आपको बता दें, विवादों से कविता का पुराना नाता भी रहा है। साल 2014 में वो फिल्म मैं हूँ रजनीकांत के कारण चर्चा में रही। फिल्म के टाइटल में सुपरस्टार का नाम इस्तेमाल हो रहा था और इससे रजनीकांत खफा होकर हाई कोर्ट चले गए थे। इसके अलावा जानवरों पर हो रही क्रूरता का विरोध भी कविता ने न्यूड फोटो के जरिए किया था, जिस कारण भी वो कई दिनों तक सुर्खियों में थी। और अब उनकी वेब सीरीज कविता भाभी बहुत पसंद की जा रही है। फिलहाल सितंबर से शुरू होने वाले बिग बॉस 14 के प्रोमोज भी चर्चा में बने हुए हैं।